अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है खैर ख़ैरियत से होंगे तो जी आज मैं आप लोगों के साथ दो रोज़ों का ब्लॉग इकट्ठा शेयर कर रही हूँ छब्बीसवें रोजे का और सताईसवें रोज़े का और मैं बहुत मसरूफ़ थी बिकॉज़ रमज़ान का लास्ट चल रहा है और लास्ट रमज़ान में हम लोग ज़रूर मस्जिद में कुछ ना कुछ बना के देते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जानने वाले हैं नेबर्स हैं उनके घर भी कुछ ना कुछ भेजते हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद किया जाता है इसीलिए मैं बनाती हूँ और ये पुलाव बिरयानी है क्योंकि इसमें स्पाइसेस मैंने बहुत कम यूज़ किए सिर्फ जिंजर गार्लिक और अनियन और सिंपल घर का मसाले के साथ मैंने इसको बनाया था और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी इसके पापा ने मना किया था कि रोजे में सबको मुश्किल होगी तो यहाँ पे मैंने छब्बीसवें रोजे में ये बना के अपने नेबर्स की तरफ और अपने फ्रेंड्स की तरफ और जो भी लोग मेरे जानने वाले हैं और जिनको पाकिस्तानी खाना पसंद है उन सब की तरफ मैंने इस तरह से बॉक्सेस में बना के भेजी थी और इस वजह से मैं बहुत मसरूफ़ थी बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था और यहाँ पे हो गया जी नेक्स्ट डे यानी सताइसवां रोज़ा और मैं लेकर इन लोगों को बाहर निकली हूँ और मोहम्मद यहाँ पे खेल के थक जाएगा तो फिर घर जाके सो जाएगा और आज सताइसवाँ रोज़ा है तो मुझे मस्जिद में जो है वो कुछ इफ्तार बना के देना है और ये हमारे हर साल की रूटीन है कि हम लोग लास्ट के रोज़ों में मस्जिद में कुछ ना कुछ बना के देते हैं बिकॉज पाकिस्तान में जब ये मंस आते हैं लाइक मुहर्रम है रमज़ान है तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं प्रॉपर इस्लामिक तरीके से कुरान पाक होता है उसमें फिर तिलावत और फिर पढ़ाई होती है और उसके बाद नजरों व होती हैं फिर अवतार पार्टीज़ होती हैं सेलिब्रेशन होती हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है इसकी एक वजह तो यह है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की नस्बत और जो लोग हैं वो माशाल्लाह से अपने अपने घरों में सेट हैं और जो लोग सेट नहीं भी हैं उनकी स्विस गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हेल्प करती है किसी को अकेला नहीं छोड़ती ऐसे तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी नजरों ने आज की किसी को ज़रूरत है यहाँ पर या हम लोग जो मस्जिद में खाना दे रहे हैं वो कुछ ऐसे गरीब लोगों के लिए है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेटिसफेक्शन के लिए और प्रॉपर अल्लाह की रज़ा के लिए है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमें फील हो होकर जान आया था और हम लोगों ने कुछ एफर्ट की थी अपने लिए तो बस इसी सोच की वजह से इसके पापा और मैं हर साल कुछ ना कुछ मस्जिद में देते हैं और जी यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी और मैंने चिकन स्टीम होने के लिए रखा है और बच्चे बाहर से मेरे लिए फूल लेके आए थे अबरिश और हाला और मैं इन फूलों को देख रही थी और इसमें बहुत अच्छी स्मेल है तो इसलिए मैंने इनको एक बोतल दी है कि ये इसमें अरेंज कर दें और टेबल पे लगा दें अवतार की और यहाँ पे मेरा चिकन स्टीम हो गया था और इसको मैं मैरिनेट करूँगी और बहुत सिंपल मसालों के साथ इसको मैं मैरिनेट करूँगी और चिकन मैरिनेशन के लिए ये मेरे पास जिंजर है मैं इसमें गार्लिक ऐड नहीं करी क्योंकि ये मस्जिद में देना है और गार्लिक अच्छा नहीं है मस्जिद में स्मेल आती है तो ओनली जिंजर है और ये जिंजर क्यूब्स वाले हैं जिसको मैंने डीप फ्रोज़ किया है और ये जिंजर गार्लिक मैंने रमज़ान के स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने फ्रीज़ किया और इसने मुझे बहुत हेल्प की मैंने कल पुलाव में भी डाला है और कुछ भी मुझे पीसना नहीं पड़ा फ़ौर से बस मैंने डीप किया और निकाल के मैंने डाल दिया है तो इस तरह से चीज़ें कर लेने से वैसे थोड़ा काम तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है बाद में और जी यहाँ पे मेरे से पहले हालाँ ने ये चिकन ब्रोस्ट मसाला है शान का ये इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस मैंने मैरिनेट करके रख दिया और मैं अपनी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई ताकि वो थोड़ी देर मैरिनेट भी हो जाएगा तब तक और उसके बाद मैं उसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर जब मैं किचन में वापस आ गई थी और मैंने चिकन फ्राई करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी सारा चिकन है ऑलमोस्ट दस से बारह किलो तो मुझे इसमें टाइम लगेगा और मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज हालां ने फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा हुआ है तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है उसके अफ्तार के लिए भी और उसने बहुत सारी फरमाइशें की हुई हैं जिसमें से समोसे और स्प्रिंग रोल तो मैंने पहले से बना के फ़्रीज़ कर लिए थे और लास्ट के ब्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था तो वो तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है मैंने निकाल के रखे हुए हैं लेकिन पकौड़े फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह मैं बनाऊँगी और अभी हालत जो थी उसको काफ़ी प्यास लग रही थी उसकी एनर्जी डाउन हो रही थी तो मैंने उसको अंदर लेटने के लिए भेज दिया है कि तुम लेट जाओ बिल्कुल क्योंकि वो यहाँ पे किचन में थी और बार बार उस कह रही थी मामा रोजा कब खुलेगा रोज़ा कब खुलेगा यहाँ के बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है क्योंकि यहाँ के बच्चे थोड़ी ज़्यादा आसाइश में रहते हैं हर टाइम उनका फ्रिज में ही हाथ रहता है मेरे बच्चों का तो स्पेशली और कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं जिसमें चॉकलेट और ज़्यादातर स्वीट्स होते हैं तो पाकिस्तान में ये होता है कि बच्चे एक माहौल देख रहे होते हैं और उसको फॉलो करते हैं और बड़ी खुशी से बहुत छोटी एज में रोजा रख लेते हैं तो इसलिए मुझे हालाँकि स्ट्रेस हो रही थी और यहाँ पे मैंने अब्रिश को पोटैटो पील करने के लिए दिए हैं मोहम्मद उसे तंग कर रहा था तो मैंने उसे अंदर भेज दिया ये मुझे कहती रहती है मामा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ लेकिन ये ओनली फाइव ईयर के है तो मैं इससे क्या हेल्प लूँ मैं बस फिर इसको ऐसा ही कुछ काम दे देती हूँ और यहाँ पर मैंने अपने चने जो थे वो कैन वाले इस्तेमाल किए हैं क्योंकि जो मेरे बॉयल थे वो ख़त्म हो गए हैं तो अब मैं कैन वाले इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ ही मैंने इसमें पटेटो ऐड कर दिए हैं साथ साथ मैं अपने जो है दही भले की प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ ही मैं अपनी फ्रूट चाट बना लूँगी और मेरा चिकन भी फ्राई हो रहा है तो इस तरह साथ, साथ मैं जब काम करती हूँ तो मेरा बहुत सारा काम निपट जाता है अगर मैं एक चीज़ के फिनिश होने का वेट करूँगी कि ये ख़त्म होगी तो मैं दूसरी स्टार्ट करूँगी तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मैं कभी भी टाइम पर फ्री नहीं हो पाऊँगी और इस बार तो रमज़ान का महीना इतना तेज़ी से गुज़रा कि मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि रमज़ान आया और गुज़र भी गया शायद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई लेकिन मैं इसके पापा से वही बोल रही थी कि रमज़ान का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया रमज़ान क्योंकि अभी हम लोगों ने ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात है फर्स्ट रोज़ा किया था और अभी अभी रमज़ान को अलविदा कहने का भी टाइम आ गया तो साल में एक दफ़ा आता है और बहुत सारी यादें होती हैं इसके साथ जो कि पहले मेरी मुझे याद नहीं रहता था कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ ये जो मैं मस्जिद वगैरह भेजती थी वो मुझे याद रह जाता था कि मैंने इतनी कुकिंग की थी लेकिन इस दफा यूट्यूब की वजह से मेरी सारी जो मेमोरीज हैं वो सेव हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोच के और यहाँ पर जो हमारे नेबर्स हैं वो माशा अफ्रीकन नाइजेरियन फैमिली है तो उनके बर्तन आए हुए थे तो उसमें से कुछ तो मैंने कल चावल डाल के भेज दिए थे लेकिन अभी बाकियों में मैं इस तरह अफ्तार डाल के तो इसके पापा को कह रही हूँ कि वो ऊपर भेज दें और साथ मैंने एक डेट का बॉक्स भी रखा है जो कि हम लोगों ने मस्जिद में देने के लिए लेके आए हैं चिकन के साथ तो उसी में से एक डेट का बॉक्स भी मैंने डाल दिया है और इसके पापा यहाँ पर रेडी हो गए हैं और वो निकाल रहे हैं यहाँ पर डेट का बॉक्सेज और खाना पैक करना शुरू करेंगे क्योंकि मेरा चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो ये अभी जाएंगे तो फिर मैं इनको कह रही हूँ कि जल्दी वापस आएँ क्योंकि हालाँ का रोज़ा है तो फिर वो बार बार पूछेगी कि पापा क्यों नहीं आए अगर ये मस्जिद में लेट हो जाएंगे तो और यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो गई है जी और चिकन इस तरह से एलुमिनियम में लगा रहे हैं नीचे एलुमिनियम की ट्रे है और डबल ट्रे यूज़ किया है ताकि चिकन गिरे नहीं बिकॉज काफ़ी सारा चिकन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है बिल्कुल जैसे के का चिकन होता है क्रिस्पी बिल्कुल वो लुक आई है और इसमें सिर्फ मैंने चिकन ब्रोज के साथ सॉल्ट और थोड़ी सी जो पेपरिका पाउडर होता है जो बिल्कुल तीखी नहीं होती सिर्फ कलर देने के लिए वो ऐड की थी और इसी से माशाल्लाह इसकी काफ़ी खूबसूरत लुक आई है और ये सारा चिकन रख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरी अब्रिश और हाला भी साथ में पापा की हेल्प करवा रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं उससे ये होता है कि बच्चों में एक शौक़ पैदा होता है अपने पेरेंट्स को देख के कि रमज़ान में वो किस तरह से अहतमाम करते थे इबादत करते थे किस तरह से लगे रहते थे जैसे मैंने इतनी मेहनत की है इस रमज़ान में और ज़्यादा अल्लाह की खुशी के लिए की है अल्लाह इसे कबूल करे आप लोग भी हमें मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि हमारी ये इबादतें हमारा ये जो सब कुछ है एहतमाम ये कबूल हो जाए और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन रख लिया घर के लिए अभी हालांकि रोज़े के लिए लेकिन हालांकि को कोई ख़ास पसंद नहीं है उसे समोसे और स्प्रिंग रोल में ज़्यादा इंटरेस्ट है और यहाँ पे इसके पापा लेट हो गए हैं बस और रोज़ा खुल गया है तो मैंने बच्चों से कहा है कि आप रोज़ा खोलो पापा आ रहे हैं और आज का व्लॉग बस यहीं तक था आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दो में याद रखिएगा मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़